नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दलाई लामा की दुनिया को नसीहत, भारत से सीखे धार्मिक सौहार्द। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने ओरलैंडो गोलीबारी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और दुनिया को भारत से प्रेरणा लेने की नसीहत देते हुए कहा कि भारत ने 2000 से अधिक वर्षों तक धार्मिक सौहार्द बनाए रखा है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दलाई लामा ने कहा कि ओरलैंडो में बहुत गंभीर त्रासदी हुई, आइए थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम का सही मायने में पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी कत्लेआम नहीं करेगा। उन्होंने दुनिया से कहा कि वह भारत से सीख ले, जो दुनिया के कई प्रमुख धर्मों की स्थली है और जहां लोग सौहार्द पूर्वक रहते हैं। आरएसएस ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते बनाने को लेकर ईमानदार नहीं पाक। पाकिस्तान से संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा आरएसएस को रास नहीं आई और इसके वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि संबंध सुधारने के प्रयास करते वक्त दूसरे पक्ष के ईमानदारी के पहलू को भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी की पिछले साल 25 दिसंबर की अघोषित लाहौर यात्रा के बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बस यात्रा की तरह इसका भी वही परिणाम हुआ। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को कभी भी धर्मतंत्र वाला राज्य नहीं बनाया जाएगा और ऐसा कभी नहीं होगा। होसबले ने पाकिस्तान का हवाला दिया जो बंटवारे के बाद इस तरह का राज अपनाकर नाकाम देश में बदल गया। खराब मौसम के कारण भोपाल में उतरा वेंकैया नायडू का विमान। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य भाजपा नेताओं को लेकर जा रहे चार्टर्ड विमान का मार्ग बदलकर भोपाल में उसे उतारना पड़ा, क्योंकि खराब मौसम के कारण विमान ग्वालियर में नहीं उतर सका। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों को लेकर जा रहा विमान खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तित कर भोपाल में उतरना पड़ा। इलाहाबाद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद भाजपा के सभी नेता इलाहाबाद से ग्वालियर के लिए रवाना हुए थे। विमान में सवार मंत्रियों के अलावा मध्य प्रदेश की भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एवं खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान तथा राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे भी शामिल थे।